की वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट और यूजफुल होने वाली है, क्योंकि मैं एक ऐसी जानकारी बताने जा रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आजकल फेसबुक पर कोई भी किसी की फोटो को उठाकर सेव करके मिसयूज कर लेता है, या कोई वीडियो बना लेता है कोई गलत तरीके से, या किसी भी तरीके से आपकी गलत मिसयूज करके फेस चेहरा काट के या किसी और के साथ, या गलत मतलब कि पिक्चर एडिट करके या न्यूड पिक्चर्स एडिटिंग करके या किसी भी तरह से आपको ब्लैकमेल करता है फेसबुक पर, या आपकी फेक आईडी बनाकर आपकी फोटो यूज कर रहा है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए, फेसबुक की तरफ से मीटा ने जो है एक वेबसाइट लॉन्च की है, जहां पर जाकर आप उस प्रोफाइल के जरिए जो प्रोफाइल आपकी फेक किसी ने बनाई है या आपकी गलत फोटो बनाकर यूज किया है या आपको ब्लैकमेल कर रहा है किसी भी तरीके से, तो आप उसकी ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं। फेसबुक जो है मीटा जो है आपकी जो फोटो होगी या वीडियो होगी या कुछ भी मान लीजिए आपसे रिलेटेड कोई भी पोस्ट डाला होगा, तो वो बहुत ही जल्द रिमूव कर देगा। कैसे आपको कंप्लेन करनी है आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो पर बने रहे, वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट और यूजफुल होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मैं हूं मुकेश, आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल टेक्निकल वर्ल्ड एमजी चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए या पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपको भी फेसबुक या मीटा पर आपको आपकी पोस्ट यूज़ किया जा रहा है, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, या आपकी न्यूड वीडियो या प्राइवेट जैसे भी आपकी पिक्चर को यूज़ करके आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो कैसे उसकी कंप्लेन करनी है और फेसबुक आपकी पोस्ट को तुरंत डिलीट करेगा, कैसे करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र या गूगल में आपको आ जाना है। उसके बाद उसको आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है। दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए, नहीं तो आप पूरी जानकारी नहीं देख पाएंगे और आपको कुछ समझ में नहीं लगेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टॉप ncii.org और यहाँ पर सर्च कर लेना है। जैसे गाइस यहाँ पर सर्च करते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आता है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर क्या क्या आपका जो यहाँ पर शेयर होता है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई आपकी वीडियोज़ या फोटोज़ न्यूड या कोई किसी प्रकार की प्राइवेट वीडियोज़ हो गई, फ़ोटोज़ हो गई, आपके गलत तरीके से फ़ोटो को यूज़ किया गया है, तब यहाँ पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। फेसबुक मीटा जो है तत्काल उसके ऊपर एक्शन लेगा, आपको घबराने की अब ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करने जाना है, यहाँ पर क्रिएट केस के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर 3 डॉट्स आप देख पा रहे होंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रिएट योर केस के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा, क्रिएट योर केस। यहाँ पर आपको आपकी जो भी एज है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, अंडर 18, अगर 18 से ऊपर है तो आपको सेकेंड वाला क्लिक कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है आपके पास कौन सी इमेज या वीडियोज़ है आपकी है, तो यहाँ पर माई सेल्फ के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें से आपको कौन सा आपको चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस जगह पे आपका किया गया है। तो यहाँ पर सेक्सुअल लिखा है, न्यूड लिखा है, सेमी न्यूड लिखा है, आई एम प्राइवेट प्लेस, आई एम पब्लिक प्लेस, या आई एम फुली क्लोथेड। तो मान के चलिए ये वाली हमारी पिक्स है, तो ये हम क्लिक कर देंगे, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप इस पिक्चर को ऑनलाइन शेयर किसी ने कर दिया है या ऑनलाइन आपने देखा कहीं पे, तो यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक कर देंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप 20 फ़ोटोज़ वीडियोज़ अपलोड कर सकते हैं, जो आप मतलब आपसे रिलेटेड है, जो आपकी फ़ोटो किसी ने अपलोड की स्क्रीनशॉट लेकर या किसी भी तरीके से आप सेव करके आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं। यहां पर हमारी फ़ोटो देख सकते हैं, इमेज अपलोड हो रही है। इमेज अपलोड होने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं हमारी फ़ोटो अपलोड हो गई है। रिमूव, यहां पर ये फाइल नेम आ गया है, यहां पर ये आ गया आईडी,
और उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना पिन डालना पड़ेगा, जो कि आपके एरिया का पिन कोड होगा वो वाला डाल देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। चलिए हम ईमेल आईडी डाल देते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ईमेल आईडी आ गई है हमारी, और यहाँ पर हमने जो फ़ोटोज़ भेजी यहाँ पर आ गई है, और यहाँ पर हमारी ईमेल आईडी। और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे नीचे आना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है और इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे सबमिट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका केस नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं आ चुका है, और यहाँ पर आपके ईमेल पे भी मैसेज आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है ऑनलाइन अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं फेसबुक को। अगर आपको कोई व्यक्ति मेल कर रहा है आपके पास, उसकी आपकी वीडियो उसके पास है, न्यूड वीडियोस होगी या प्राइवेट वीडियोस होगी या प्राइवेट फ़ोटोज़ होगी, या किसी भी प्रकार का आपका कंटेंट उसके पास है, या आपकी गलत तरीके से मिसयूज़ कर रहा है फ़ोटो, या आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तब आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको केस नंबर मिल जाता है और यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं। और यहाँ पर थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप चेक भी स्टेटस कर सकते हैं। इस पर चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अपना केस नंबर डाल देना है, यहाँ पर पेन नंबर डाल देना है, सर्च कर देना है। तो इस तरह से आप भी अपने जो प्राइवेट वीडियोस है, प्राइवेट फ़ोटोज़ को बहुत ही आसान तरीके से बिना पूछे उससे आप डिलीट करवा सकते हैं। दोस्तों ये हमारी आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। अगर कोई जानकारी लेनी है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।